हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉबीज़ एट होम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लिटिल जैस्मिन को कटिंग्स के थ्रू कैसे लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये एक कटिंग है कॉलियस प्लांट के साइड पे ही मैंने इसे लगाया था। अभी इसमें छोटे छोटे ऐसे लीव्स निकल आए हैं। कुछ लीव्स तो मैंने कटिंग जब लगाई थी तभी थी, तो अभी छोटे छोटे इसमें लीव्स ऐसे ग्रो कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं खोद के कि इसमें रूट्स बने ही कि नहीं। अभी तो एक महीना हो गया है, तो अब हम देखेंगे। अभी हम साइड्स को अच्छे से खोद लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे ताकि हम देख सकें कि इसमें रूट्स बने हैं कि नहीं। आइए देखते हैं। तो ये निकल गया है लगभग, ये आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे रूट्स बन गए हैं। क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन इसमें छोटे छोटे रूट्स बन गए हैं। तो ये जो लिटिल जैस्मिन का प्लांट है, इसके कई स्पेसीज हैं, इसके बड़े स्पेसीज भी हैं। ये बड़े वाले जो जैस्मिन होते हैं वो ग्राउंड में ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये लिटिल जैस्मिन आपके पॉट्स में बहुत ही सुंदर से ग्रो करते हैं। ये 4 से 5 फीट तक ग्रो करता है, लेकिन आप प्रूनिंग करते रहे तो ये बहुत ही अच्छा शेप लेता है। तो अब हम इसे दूसरे पॉट में लगाएंगे। इसके पॉटिंग मिक्स के लिए आप नॉर्मल पॉटिंग मिक्स लीजिए, जो एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी मिला के रखा है। तो अभी बीच में हम ऐसे एक गड्ढा खोद लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए और इसमें हम पानी तभी देंगे जब ये ऊपर का हिस्सा सूख जाएगा। अभी तो हमने लगाया है तो अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। इसके साइड में एक सेंसिवेरा का कटिंग भी था मेरा, वो पहले ही लगाया हुआ है। मेरे पास पॉट नहीं था तो मैंने इसमें ही। ये देखिए, हमारे जैस्मिन का प्लांट है लिटिल जैस्मिन। इसमें जब फूल खिलते हैं वो तो समर में खिलते हैं और ये रात को खिलते हैं, इसलिए इसको रात की रानी भी कहा जाता है। तो ये देखिए, इसके स्टेम्स ये नीचे से ग्रो कर रहे हैं। तो हम किस थोड़ा सा मोटा एक स्टेम लेके इसको लगा लेंगे। आइए मैं एक दिखाती हूँ। ये मैंने हाथ से ही तोड़ लिया है ऐसे। अभी इसमें 2 कटिंग बनेंगे, ये 2 हैं। तो अब हम इसे काट लेंगे। अभी मैं इसे 2 भाग में डिवाइड कर लूँगी इन कटिंग्स को, और इसके पत्तों को भी काट लूँगी। ये देखिए, मैंने पत्तों को काट लिया है। अगर कुछ पत्ते रह भी जाए तो कोई बात नहीं, मैंने पहली वाली कटिंग तो वैसे ही लगाई थी पत्तियों के साथ, और नीचे मैंने एक शार्प कट लगाई है दोनों कटिंग्स में। अभी मैं इसे उसी गमले में डालूँगी जहाँ मैंने वो कटिंग लगाई थी, उसके साइड पे ही लगा लूँगी, क्योंकि मैं इसे बस आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। तो इसके जो साइड है यहाँ पे मैं एक शार्प टूल के मदद से इसमें होल बना लूँगी। अभी 1.5 इंच तक ऐसे नीचे आप पॉट में होल बना लीजिए। मेरे पास 2 कटिंग है तो 2 होल बना रही हूँ। अभी हम अपना कटिंग्स इसमें डालेंगे। रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं किया है मैंने, सिर्फ ऐसे डाल दीजिए और साइड्स को ऐसे प्रेस कर दीजिए ताकि ये कटिंग्स हिले ना। दोनों कटिंग्स को अच्छे से लगाने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए ताकि पानी नीचे ड्रेनेज होल से नीचे आ जाए। अच्छे से आप ऊपर पानी डाल दीजिए। ये जुलाई के महीने में इसके कटिंग्स बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि रेनी सीज़न होता है, लेकिन आप फरवरी से लेके मई तक भी लगा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट।